नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी के सामने मुख्यमंत्री नीतीश ने रखी अपनी बात। शिक्षकों की आधी सीट खाली रहने के कारण सरकार है परेशान। पटना में थानेदारों पर अब गिरेगी गाज। बिहार में अगले 48 घंटे में बारिश को लेकर जारी हुई चेतावनी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले बच्चों को लेकर जारी हुई अहम जानकारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षकों की आधी सीट खाली रहने के कारण सरकार है परेशान। बिहार में लगभग 94,000 सीटों पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जारी है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस साल जुलाई और अगस्त महीने में हुई काउंसिलिंग में नीतीश सरकार की चिंता जो बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा बहाली को लेकर के अभ्यर्थियों का विरोध भी जारी है और शिक्षक बहाली प्रक्रिया के तहत आधी से ज्यादा सीटें भी खाली हैं, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने दी है। इस बाबत उन्होंने बताया कि विभाग इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर इतने कम उम्मीदवार क्यों काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में पद कैसे खाली रह जा रहे हैं। पटना में थानेदारों पर अब गिरेगी गाज। राजधानी पटना में थानेदारों पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। इस बाबत एसएसपी ने सभी को चेतावनी जारी कर दी है। इसको लेकर एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने ऐसे थानेदारों को चेतावनी दी है जो प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। ऐसे में उन्होंने साफ कहा है कि अगर वो एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल करेंगे तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही थाने में चक्कर लगाने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने और सनहा लिखवाकर पीड़ितों को थाने में भेज दिया जाता है, जिसके बाद ही अब तक पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी कई बार जानकारी साझा की गई है, जिसके बाद ही पटना के एसएसपी ने सभी थानेदारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सचेत कर दिया है कि थानेदार पीड़ित का मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी ना करे। पीएम मोदी के सामने मुख्यमंत्री नीतीश ने रखी अपनी बात। जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 10 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ने भी एक सुर में बिहार में जातीय जनगणना की मांग को दोहराया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत भी की और बताया कि बिहार के सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। हमने उन्हें बताया कि किस तरह बिहार विधानसभा ने जातीय जनगणना को लेकर 2 बार प्रस्ताव पारित किया है। बिहार के साथ पूरे देश के लोग इस मुद्दे पर एक राय रखते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी की बातों को सुना। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने इसे खारिज नहीं किया है। बिहार में मिले कोरोना के 20 मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 20 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 140 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो दरभंगा में 2, किशनगंज में 1, नालंदा में 1, पटना में 5, रोहतास में 1, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 1, सारण में 1, शेखपुरा में 1, वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एक ऐसे मामले की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,37,973 सैंपल की जांच की गई। इसके साथ ही 26 लोग इस दौरान ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। पश्चिम पीजीवीसीएल ने निकाली रिक्तियां। पश्चिम पीजीवीसीएल ने विद्युत सहायक, जूनियर इंजीनियर की कुल मिलाकर 49 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.pgvcl.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से कर ले सकते हैं। बिहार में अगले 48 घंटे में बारिश को लेकर जारी हुई चेतावनी। बिहार में अगले 48 घंटे बारिश के लिहाज से बेहद ही अहम माने जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 25 और 26 अगस्त के दौरान बिहार में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में भी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बीते कई दिनों से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत राजधानी पटना के साथ ही समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर जिले के कुछ हिस्से, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सीतामढ़ी, शेखपुरा, लखीसराय में बारिश की संभावना जताई गई है।
बिहार पंचायत चुनाव में अधिसूचना जारी होने से पहले ही इस काम के लिए निकाले जा रहे हैं पैसे। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है, वहीं बस अब कुछ ही घंटे में चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी होने वाली है। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही योजनाओं के नाम पर धड़ाधड़ पैसों की निकासी होने लगी है। जानकारों की माने तो योजनाओं के नाम पर निकाले जा रहे पैसे से पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों की चांदी कट रही है। आलम यह है कि पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी दोनों मौके का फायदा उठाते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले योजनाओं के नाम पर राशि निकासी को लेकर होड़ में जुटे हुए हैं। सरकारी खजाने को लूटने के लिए पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी दोनों हाथ से मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं। मिथिलांचल के किसानों ने खेतों में शुरू की मखाने की उपज। इन दिनों बिहार सरकार बिहार में मखाने की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके तहत ही अब मखाने की खेती में बिहारवासियों का रुझान भी बढ़ने लगा है। आलम यह है कि मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। साथ ही दरभंगा का मखाना अनुसंधान केंद्र खेतों में भी मखाने की खेती को प्रोत्साहन दे रहा है, जिसके तहत मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को बिचड़ा और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर बीआर जाना ने बताया है कि तालाब विधि की तुलना में खेतों में मखाने की खेती ज्यादा फायदेमंद है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले बच्चों को लेकर जारी हुई अहम जानकारी। बिहार में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर बिहार सरकार अभी से ही सजग रूप से काम कर रही है। चूंकि बिहार के सभी स्कूल कॉलेज को खोल दिया गया है, ऐसे में हाल ही में सीरोलॉजिकल सर्वे भी करवाया गया था, जिसमें बिहार के ज्यादातर बच्चों में पहले से ही एंटीबॉडी पाई गई है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो अभी भी सभी को सचेत रहने की जरूरत है। इस बाबत पटना के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मृणाल का कहना है कि बड़े बच्चों के मुकाबले छोटे बच्चों में डीवीडी कम इसलिए पाई गई है क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सचेत रहने की जरूरत है। भागलपुर में होगी हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना। हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र बनवाने पर बिहार सरकार इन दिनों जोर दे रही है। इसी बीच जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके अनुसार भागलपुर में हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना होगी, जिसकी अनुमति केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने दी है। इसके बन जाने के साथ ही देश दुनिया की नई डिजाइन से बुनकर अवगत होते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसका उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन आधारित उत्कृष्टता का निर्माण करना और बुनकरों, निर्यातकों, निर्माताओं और डिजाइनरों की सैंपल, बेहतर उत्पाद और उनके विकास के लिए डिजाइन रिपोजिटरी तक की सुविधा प्रदान करना है। आयोग ने जारी किया पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह जारी कर दिया है, जिसके तहत आयोग ने मुखिया के लिए 36 चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। वार्ड सदस्य के लिए 20 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए 10 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। जिला परिषद सदस्य के लिए 20 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। सरपंच पद का भी चुनाव चिन्ह रोचक जारी किया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 12 चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखा है। इस चुनाव चिन्ह को वैसी स्थिति में आवंटित किया जाएगा जब किसी पद के लिए प्रत्याशियों की संख्या आवंटित चुनाव चिन्ह से ज्यादा हो जाएगी। ललन सिंह ने भाषण में नहीं काम में विश्वास होने की कही बात। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इन दिनों जम्मू कश्मीर दौरे पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के साथ ही उन्होंने जदयू को बिहार समेत अन्य राज्यों में भी मजबूत करने का प्रण लिया है। यही कारण है कि वो अलग अलग राज्यों में जदयू को मजबूत करने के लिए जाने वाले हैं। इसी कड़ी में वो अभी जम्मू कश्मीर दौरे पर है, जहां उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए साफ कहा है कि भाषण से नहीं काम होता है, वो और उनकी पार्टी भाषण से ज्यादा काम में यकीन रखती है। ज्ञात हो ललन सिंह का यह आखिरी दौरा नहीं है, बल्कि अभी के बाद वो अगले महीने एक बार फिर से घाटी का दौरा करने के लिए जाने वाले हैं। शहाबुद्दीन के घर गूंजेगी शहनाई। दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के घर जल्द ही शहनाई गूंजने वाली है, जिसके तहत शहाबुद्दीन के बेटे और बेटी की एक साथ बारात निकलेगी। हालांकि बेटे और बेटी दोनों की शादी की तारीख पहले ही जारी कर दी गई थी और दोनों की शादी पिता शहाबुद्दीन की पसंद से ही हो रही है, जिसके तहत अब 16 अक्टूबर को ओसामा का निकाह आयशा से होने जा रहा है। ओसामा की होने वाली बेगम भी सिवान की जुरादेई के चंदपाली की रहने वाली है। वो दिवंगत सांसद के रिश्तेदार आफताब आलम की पुत्री है। ज्ञात हो आफताब आलम दुबई के एक बैंक में मैनेजर है। वहीं ओसामा की होने वाली पत्नी डॉक्टर आयशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल कर चुकी है। ज्ञात हो 13 अक्टूबर को ओसामा शहाब का निकाह होगा और 16 अक्टूबर को, जिस दिन उनकी बहन हेरा शहाब का निकाह होगा, उसी दिन ओसामा शहाब का वलीमा यानी रिसेप्शन रखा गया है। तेजस्वी ने की मैट्रिक इंटर में फॉर्म भरने और एडमिशन की डेट बढ़ाने की मांग। नेता
प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मैट्रिक इंटर में फॉर्म भरने और एडमिशन की डेट बढ़ाने के साथ ही बीपीएससी परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर हाल ही में नीतीश कुमार के नाम पर पत्र जारी किया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इन दिनों बाढ़ से तबाही मची हुई है। कोरोना के बाद बाढ़ के कारण बच्चों की पढ़ाई पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उन्हें काफी कठिनाई हो रही है। वहीं कई स्कूल और कॉलेज ऐसे भी हैं जो बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गए हैं। छात्र छात्राओं की परेशानी हो रही है, ऐसे में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए फॉर्म भरने और 11वीं में एडमिशन कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाई जाए। इसके साथ ही बीपीएससी की परीक्षा अभी स्थगित की जाए। विराट कोहली इस बड़े रिकॉर्ड से है केवल 63 रन दूर। भारतीय कप्तान विराट कोहली का बल्ला काफी लंबे समय से शांत पड़ा है। आलम यह है कि बीते 2 साल से कोहली के 71वें इंटरनेशनल शतक का इंतजार फैंस भी कर रहे हैं। साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन में अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी शतक उन्होंने जड़ा था। उसके बाद से अब तक विराट 49 इंटरनेशनल पारियां खेल चुके हैं, लेकिन हर बार शतक से दूर ही रह जा रहे हैं। हालांकि विराट जल्द ही 23,000 रनों के आंकड़े को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस अनोखे रिकॉर्ड से विराट केवल 63 रन ही दूर है। याद हो विराट के नाम अब तक 437 मैचों में 22,937 रन दर्ज है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केंद्र सरकार को बिहार में जातीय जनगणना की अनुमति देनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।